इस मूवी की रेटिंग आईएमडीबी पे 3 या 4 है 10 में से, और बड़े बड़े न्यूज़पेपर वालों ने सिर्फ इसे 2 या 1 स्टार दिया है। इनसे मैं यही कहूंगा, या तो तुमने मूवी देखी नहीं है या तो तुम्हारी गांड जलती है। बॉलीवुड मूवी रीमेक है और स्टार किड है तो सीधा नेपोटिज्म का थप्पा लगा देते हैं। अबे चूतिये देख तो सही, ओरिजिनल डायरेक्टर लिया है, नेशनल अवार्ड जीता है वो भी। 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं क्या ये मूवी आपके टाइप की है या नहीं। और फिर इन बड़े बड़े न्यूज़पेपर वालों की रिव्यूज चेक करना, क्या इन्होंने सच में मूवी देखी है या फिर अपनी भड़ास निकालते हैं जस्ट बिकॉज आपको प्रमोशन के वक्त भाव नहीं दिया था। पॉजिटिव नंबर 1 म्यूजिक, एआर रहमान ने म्यूजिक दिया और डायरेक्टर मत्तुकुट्टी ने कहीं पर ऐसा फील नहीं होने दिया कि यार फिर से गाना आ गया। मूवी का स्क्रीन प्ले चल रहा है, डायलॉग्स चल रहे हैं और बैकग्राउंड में वो म्यूजिक और गाना चलता है जैसे हॉलीवुड की मूवीज में हम देखते हैं। दूसरा है कैरेक्टर डेवलपमेंट। सर्वाइवल मूवीज में अगर आप मेन लीड से कनेक्ट नहीं हुए तो अगर वो मरे जिंदा रहे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मूवी के पहले के 40% मिली जब फ्रीजर में बंद होती है तो वो किसी की बेटी है, किसी की गर्लफ्रेंड है या फिर उस मॉल के वॉचमैन के साथ हाई बाय वाला रिलेशन, सारे रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया है डायरेक्टर मत्तुकुट्टी सर। नंबर 3 एक्टिंग, मनोज पावा सर। ये अपने बेटी के लिए पजेसिव पापा है, केयरिंग पापा है, गुस्सेल पापा है, सारे रिलेशनशिप, और इसे और क्यूट बनाया जानवी कपूर ने। जानवी कपूर को ऐसे ही चैलेंजिंग रोल करने चाहिए। आप ग्लैमर के पीछे मत पड़ो मैडम, आपको बस एक अच्छा डायरेक्टर चाहिए। ग्लैमर के लिए हर दूसरा स्टार किड है अवेलेबल। एक आम लड़की के अंदर इनका स्क्रीन प्रेजेंस और भी उभर के आता है। नंबर 4 वाव मोमेंट, जो थिएटर से निकलने के बाद आपके दिमाग में छप जाएंगे। जानवी कपूर फ्रीजर में बंद है तो एक चूहा एंटर कर, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, स्पॉइलर हो जाएगा, एकदम चुम्मा सीन था वो। के बाद फ्रीजर को बंद करने की कोशिश, बाहर जो एक बाप अपनी बेटी की फिकर कर रहा है, एंडिंग में वो वॉचमैन वाला सीन, भाई साहब बेस्ट मोमेंट था मेरे हिसाब से। मैंने 2-3 लोगों को मूवी को डिस्कस करते हुए सुना है थिएटर से निकलने के बाद, क्योंकि आधी से ज्यादा मूवी मॉल के अंदर ही है तो सब कुछ रिलेट हो रहा था। नेगेटिव जो सबसे बड़ा है, अगर आपने सर्वाइवल थ्रिलर देखी है या फिर आपने क्राइम पेट्रोल भी देखा है तो जैसे ही मिली फ्रीजर में लॉक हो जाती है तुरंत पता चल जाता है कि इसको कैसे ढूंढना है, मतलब इतना ऑब्वियस नहीं रखना था यार। फिर लास्ट में जब उसी से पता चल जाता है कि मिली कैसे मिली तो आपको लगने लगता है कि मैं क्या ज्यादा स्मार्ट था मूवी से। मैं आपको बताऊंगा नहीं वो क्या है, लेकिन वहां तक पहुंचने की जो जर्नी है ना यार, वो थिएटर में एक्सपीरियंस करो। मूवी में कुछ भी एडल्ट नहीं है, फैमिली के साथ 100% देख सकते हैं। एक बात पूछता हूँ, जवाब कमेंट में देना। हम सबके अंदर नेपोटिज्म है, अपना अपना टाइम आने पर हर कोई अपने बच्चे को आगे करना चाहेगा।